हैं। वीडियो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए चार स्क्वायर पीसेस मैंने 1 2 3 4 फोर स्क्वायर पीसेस ये लिए हैं और एक बड़ा 1 स्क्वायर पीस ये लिया है। इसके बीच में मैंने इसे फॉर्म शीट डाल के क्विल्ट किया है। अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं है तो इसके बीच में आप इस तरीके से जो शॉपिंग बैग होते हैं वो भी आप इसके बीच में इंसर्ट कर सकते हैं फॉर्म शीट की जगह, या अगर आपके पास कोई बेडशीट के पीस पड़ा है तो वो भी आपके इस बीच में इसमें फॉर्म शीट की जगह आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ मैं आपको पीसीस के क्या हैं। ये बड़े वाला है 12.5 इंचेस बाय 12.5 इंचेस, और ये जो छोटे फोर पीसीस मैंने लिए हैं ये है 7 इंचेस बाय 7 इंचेस। अब आपको करना क्या है, पहले हम ये वाला पीस लेंगे साइड वाले, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है यहाँ पे, और यहाँ पे इसे हल्की सी गोलाई में शेप देनी है ऊपर से। ये गोलाई में मैंने इसे शेप दे दी। इस तरीके से मैंने शेप दे दी, जैसे शेप इसमें दी है बाकी इन थ्री पीसेस में भी देनी है। अब ये वाला पीस इसके ऊपर रखना है और सेम इसी शेप में मैं कट करूँगी। इस तरीके से इन बाकी दो पीसेस पे भी ऐसे ही दे दीजिए, पीसेस में शेप दे दी 1 2 3 4। तो 1 ये स्क्वायर पीस और 4 ये पीसेस हमें यही चाहिए। तो चलिए हम इसे आगे बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो फोर पीसेस हैं हमें इन्हें यहाँ साइड से पाइपिंग से फिनिश करना है। तो इस तरीके से मैंने बायस में पट्टी ले ली है, इसे यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे रखिए, इस तरीके से ऐसे रखना है। यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक इस पर सिलाई, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस पर सिलाई लगा ली। अब इसे दूसरी तरफ को पलटिए, इस तरीके से, और इसे फोल्ड करते हुए देखिए इस तरीके से हमारी पाइपिंग सी बन जाएगी। इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। मैंने इसे पाइपिंग से फिनिश कर दिया। जैसे ये फिनिश किया ऐसे ही बाकी के थ्री पीसेस भी कर लिए। 1 2 3 4 फोर पीसेस रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है, ये वाला स्क्वायर पीस लेना है, एक पीस यहाँ पे रखना है सेंटर में, दोनों के यहाँ पे सेंटर में होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 1, दूसरा यहाँ पे रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 2, तीसरा पीस आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 3, और जो फोर्थ वाला पीस है वो आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 4। तो 1 2 3 और 4 चारों पे सिलाई लगा जोड़ लिए 1 2 3 और 4। तो मेरे 4 फ्लैप इस तरीके से जुड़ गए। अब आपको क्या करना है, इसे ऐसे करना है, ये कॉर्नर, ये जो पाइपिंग है और ये पाइपिंग है, इसे इससे मिलाना है इस तरीके से। ये मैंने मिलाया, मिलाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो कॉर्नर सा बन गया है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, इसे इस तरीके से थोड़ा सा ओपन किया और ये जो बन गया हमारा कॉर्नर, इसे काटना नहीं है आपको, इस कॉर्नर को इस तरीके से यहाँ को टर्न कर देना है, इस तरफ को टर्न कर दिया और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दी। तो ये मैंने कटिंग नहीं किया, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से देखिए कॉर्नर बन जाएगा। तो जैसे कॉर्नर ये बनाया है वैसे ही हमें बाकी के कॉर्नर्स भी बनाने हैं। अब ये वाला कॉर्नर लेना है, पहले इसे ऐसे पकड़ना है, इस तरीके से यहाँ तक सिलाई लगानी है, ऐसे पकड़ना है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है, फिर इसे इधर को टर्न करके इधर सिलाई लगानी है, जैसे हमने ये वाला कॉर्नर बनाया है। तो इसी तरीके से 1 2 और 3 ये बाकी के 3 कॉर्नर्स भी बना। ये देखिए मैंने इसके 4 कॉर्नर सिल लिए, सिल के साइड में, यहाँ साइड में, इस तरीके से 4 साइड में। तो ये कुछ इस तरीके से देखिए मेरा बन गया 4 फ्लैप्स, और इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से नीचे से हमारा पूरा चारों तरफ से फिनिश है। ये जो फ्लैप्स हैं इसे इस तरीके से अंदर की तरफ कर लीजिए 2 मिनट के लिए, ऐसे अंदर को रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरे पे हम एक पाइपिंग लगाएंगे और इसे फिनिश करेंगे। तो इसे अंदर की तरफ को करते हुए फ्लैप को इस तरीके से पाइपिंग लेनी है और यहाँ से एक तरफ से इसे लगाते हुए
यहाँ से सिलाई मशीन से लगाते हुए राउंड में पूरा यहाँ तक इसे लगा लिया। राउंड में इसमें सिलाई लगा के इस तरीके से पाइपिंग को लगा दिया। अब इसे दूसरी तरफ को फोल्ड करना है आपको, इस तरीके से फोल्ड करते हुए फोल्ड हो जाएगा ये। इस तरीके से पाइपिंग सी बनानी है इसकी, देखिए ये पाइपिंग सी बन जाएगी। पूरे राउंड में एक तरफ से लेके फ्लैप अंदर की तरफ करते हुए पूरे राउंड में यहाँ से लेके वापस यहीं तक सिलाई लगा लीजिए, तो ये पाइपिंग से पूरा फिनिश हो कि मैंने इसे पाइपिंग से फिनिश कर दिया। तो ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। ये इसके फ्लैप्स हैं, ये देखिए। यहाँ पे आराम से रोटी रखिए, उसके बाद उसे कवर कर दीजिए इस तरीके से। तो ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, देखिए कहीं से कोई भी रॉ एजेस नहीं है, प्रॉपर फिनिश हर तरफ से। तो इस तरीके से बिल्कुल रेडी हो गया है, प्रॉपर बेस हर तरफ से प्रॉपर फिनिश है, तो बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई बाउल है या आपके पास रोटी का डब्बा है उसमें भी इसे रखा है, आप चाहे तो इसे इसमें भी इसलिए रख सकते हैं। है इस तरीके से रोटी वाला डब्बा है उसमें भी इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा रोटी कवर रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो।